हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी कीमा ब्रेड, लेकिन भूलिएगा नहीं मुझे सब्सक्राइब करना। इसके लिए हमें चाहिए 1 kg और 1/2 kg मिन्स चिकन का। साबुत गरम मसाले में हमें चाहिए दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च, ज़ीरा पिसा हुआ, धनिया पिसा हुआ, नमक, हल्दी, थोड़ी सी अजवाइन, कलौंजी, कुटी लाल मिर्च, मेथी दाना, ज़ीरा और साबुत धनिया। उसके साथ हमें चाहिए दही, 2 से 3 टमाटर, 2 से 3 हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 मीडियम साइज़ की प्याज। ये सब इंग्रेडिएंट्स के बाद हम तेल लेंगे थोड़ा सा देसी में और हम फ्राई करेंगे प्याज को। हम इतना प्याज को फ्राई करेंगे कि वो थोड़ी सी लाइट ब्राउन हो जाए। फिर हम उसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। जब उसमें खुशबू आने लगेगी तो हम उसमें सारा साबुत गरम मसाला डाल देंगे और उसको थोड़ा सा पकाएंगे कि वो थोड़ी सी भुन जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने सारा साबुत गरम मसाला डाल दिया, उसे थोड़ा सा पकाया, फिर हम डालेंगे उसमें अपना चिकन का मैन। इसको अच्छी तरीके से इस मसाले में भूनेंगे और उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए हम कवर कर देंगे ताकि उसका पानी खुश्क हो जाए और उसमें कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देख सकते हैं आप, इससे आपका चिकन जल्दी कुक होता है। अब हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे, जो थोड़ी बहुत हमें कसर लगेगी, फिर हम उसमें डालेंगे। आपको मैं नज़र आ रहा होगा, हम दही में सारा पिसा हुआ मसाले डाल रहे हैं। उसमें हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला है। इसको हम अब दही में मिक्स कर लेंगे। दही में मिक्स करने के बाद हम इसको एक तरफ रखेंगे। पहले हम डालेंगे इसमें टमाटर और हरी मिर्चें अपनी, जो हमने पहले काट के रखी हुई थी, और इसमें हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जब थोड़े से टमाटर नरम हो जाएंगे तो हमने जो दही में मसाले मिक्स किए थे वो सारा डाल देंगे। दही हमें कम से कम 2 बड़े चम्मच चाहिए होंगे। इसके साथ हम इसको अच्छी तरीके से कीमे को भूनेंगे। आप इसको हाई फ्लेम पे भी कुक कर सकते हैं क्योंकि चिकन का कीमा बहुत जल्दी कुक हो जाता है। ये एक झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही यमी होती है। ये देखिए, आप इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि इसका जितना भी पानी है टोमेटो और योगर्ट का वो खुश्क हो जाए। सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये है कि हम थोड़ा सा मिक्स अचार लेंगे और उसको अच्छी तरीके से कूट लेंगे। आधा नींबू निचोड़ेंगे कीमे के अंदर और फिर हम उसमें डालेंगे हमारा कटा हुआ और कूटा हुआ अचार का मसाला। इससे इसमें एक और अचारी टच आ जाता है जिसका टेस्ट मैं आपको बता नहीं सकती जब तक कि आप वो खुद बनाकर खाएंगे नहीं। आप सब सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया, मुझे गाइड करने के लिए भी बहुत शुक्रिया आप सबका। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें फॉर गार्निशिंग भी और थोड़ा सा क्रंचीनेस लाने के लिए भी। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे और फिर हम अपना कोरिएंडर एक तरफ काट के रखेंगे और इन द एंड फॉर गार्निशिंग हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे, क्योंकि जब आपका चिकन थोड़ा सा ऑयल छोड़ दे, सही से भुन जाए, तो इट्स रेडी टू ईट। सी, इट लुक्स सो यमी एंड इट डिलिशियस अ लॉट। एंजॉय इट विद योर फैमिली, यू विल लव इट, आई गारंटी यू। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।